यहाँ पे देख सकते हो गैस, मैंने एक फोन यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है एंड्रॉइड ऑटो के लिए और मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और कार ड्राइव करते वक्त भी मैं यहाँ पे यूट्यूब यूज कर पा रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरा हैंड ब्रेक पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन है। वैसे वाइल्ड ड्राइविंग मैं ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन हिल सकता है और आपके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो इसलिए वाइल्ड ड्राइविंग आप यहाँ पे स्पेशली वीडियोज तो प्ले मत करना, और अगर आपको करना ही है तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एंड्रॉइड ऑटो से कैसे आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो स्टॉक आपको स्क्रीन यहाँ पे मिलती है जो कंपनी की तरफ से आती है स्क्रीन, जैसे आप बाहर से लगाते हो तो उसमें तो यूट्यूब आराम से चल जाता है, पर आप अपने स्टॉक इंफोटेनमेंट सिस्टम में कैसे यहाँ पे यूट्यूब प्ले कर सकते हो विदाउट एनी इंटरप्शन, मतलब कोई भी गाइडलाइन वाइडलाइन कुछ चक्कर नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो पूरा देख के अगर मेरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो। तो सिर्फ आपको दो तीन ऐप कुछ डाउनलोड करने पड़ेंगे और कुछ ज्यादा इसमें झोलझाम नहीं है। वैसे ऑलरेडी मैंने 10 महीने पहले एक सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया था, पर उसमें मैंने आज जाके देखा कि बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों को और बहुत सारे लोगों के कार में ये चीज सपोर्ट नहीं कर रही थी और बहुत सारे लोगों को मतलब अलग अलग प्रकार का जो है कंफ्यूजन था। तो आज मैं एक शॉर्ट और सिंपल तरीका लेके आया हूं, तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले मुझे आप कमेंट में जाके पूछो कि क्या एप्पल कार प्ले से भी आप यूट्यूब प्ले कर सकते हो, तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपको यूट्यूब अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम पे प्ले करना है तो आपको एक एंड्रॉइड फोन की जरूरत है। आप देख सकते हो मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन है, उसी के साथ जो चार्जिंग केबल होता है एंड्रॉइड फोन का वो भी आपको एक चाहिए जिससे आप अपना फोन चार्ज करते हो, तभी आप जो है यहाँ पे यूट्यूब यूज कर पाओगे। अगर आपके पास एक एप्पल का फोन है तो आपको यहाँ पे वो चीज सपोर्ट नहीं करेगी। चलिए आप बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे जो एप्लीकेशन है उनकी से आप ये चीज जो है कर सकते हो। सबसे पहले चीज, आपको एक एंड्रॉइड फोन चाहिए जैसे मैंने बताया आपको, उसके साथ आपने अपने एंड्रॉइड फोन पे आपको एंड्रॉइड ऑटो नाम का जो एक एप्लीकेशन है वो आपने गूगल प्ले स्टोर से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। उसका भी चाहिए तो मैं लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आपको मैं एक लिंक दूंगा एप्लीकेशन का, आप देख सकते हो AAAD नाम का एक एप्लीकेशन है, उसे आपने डाउनलोड कर लेना है। उसे डाउनलोड करते ही आपने सारे जो परमिशंस हैं उसे ओके करके, तो आप AAD ऐप डाउनलोड करने के बाद सारे जो परमिशंस हैं उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे आपको AAD ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो एक लिस्ट मिल जाएगी एप्लीकेशंस की। तो यहाँ से आपको कार स्ट्रीम, जो सबसे पहला नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसके भी सारे परमिशंस हैं उसे ओके करके। ये जो AAD नाम का ऐप है, AAAD नाम का ऐप है, इसका जो लिंक है डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अपना एंड्रॉइड ऑटो है वो तो आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, तो वो आप वहां से डाउनलोड लेना। AAD ऐप खोलने के बाद आपको जो कार स्ट्रीम ऐप है उसे आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये फ्री है तो आपको मंथली एक ही डाउनलोड मिलेगा, तो आप ये जो है बिना मतलब कुछ भी मत डाउनलोड कर लेना। सिंपली ये जो नाम दिख रहा है आपको कार स्ट्रीम, ये आपको डाउनलोड करना है और कुछ नहीं करना है। मोबाइल आप यहाँ पे आप ऐसे कर दो, देख सकते हो आप यहाँ पे AAD नाम का ऐप आ गया, कार स्ट्रीम नाम का ऐप आ गया और यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे फोन में। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मेरा टाइप सी केबल क्योंकि ये टाइप सी सपोर्ट करता है ये फोन, तो यहाँ पे मैंने इसे जो ऐसे कनेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो आ गया कनेक्टेड, तो यहाँ से आपको अब जाना है ऑल मेन्यू में। यहाँ से आप देख सकते हो ये एंड्रॉइड ऑटो, इस पे आप क्लिक करो तो ये कुछ गूगल मैप्स वाला सिस्टम ओपन हो गया, तो यहाँ पे आपको जाना है। ये आप देख सकते हो ये जो राउंड है इसका ये शायद होम बटन है जहां से आपको सारे एप्स मिलेंगे। ओके, ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कार स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करना है। ये लो जी, हो गया आपका यूट्यूब। अब यहाँ से आप जो है सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो ये मेरा ऑलरेडी यूट्यूब का वीडियो है वो पॉज था तो यहाँ पे प्ले हो गया है। यहाँ से आप जो है स्क्रीन बड़ी कर सकते हो, देख सकते हो कि पूरी स्क्रीन यूटिलाइज हो रही है जब वीडियो प्ले होता है। तो ये रही यूट्यूब की एक्सप्लोर पेज, जो होम पेज होती है यूट्यूब की वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ मैं प्ले करता हूँ, एक सेकेंड, ये रहा एक वीडियो। सॉन्ग्स तो प्ले नहीं कर सकते, कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ से ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ से आप स्क्रीन बड़ी छोटी कर सकते हो, ये स्क्रीन इतनी बड़ी है, क्लियरिटी आप यहाँ से कहीं से एडजस्ट कर सकते हो शायद, एक सेकंड। वैसे नेटवर्क यहाँ सही नहीं है इसलिए क्लियरिटी सही नहीं आ रही होगी, नहीं तो क्लियरिटी एकदम सही आती। देखो यहाँ पे भी आप कर सकते हो फुल कवर, कंटेन, फिल कवर। ओके, ये हो गई अपनी फुल स्क्रीन। यहाँ से मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो क्लियरिटी है कि इनका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आज हम NCS, ये NCS के सॉन्ग्स आ गए, यहाँ पे एक लगा देता हूँ मैं। अब एक चीज देखा, देखो आप हैंड ब्रेक मैं कर रहा हूँ नीचे, फिर भी ये यहाँ पे चालू है सॉन्ग्स। अब मैं आपको कार ड्राइव करके दिखाता हूँ, ये सॉन्ग यहाँ पे बंद नहीं होने वाला है। देख लिया, आप कार ड्राइव करते वक्त भी यूट्यूब प्ले कर सकते हो। और मैं पहले बता दूं ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, पर करने वाला तो
आपको कितना भी बताओ वो करेगा ही, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब यहाँ पे प्ले करने का। मैं बस आपको मतलब वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, अगर आपको किसी को करना है तो, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को यूट्यूब का शौक रहता है, यहाँ पे वीडियो प्ले करने का शौक रहता है, तो अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है तो आप ये आराम से कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। आपके क्या ओपिनियंस है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय बाय।